खबर मंदसौर से, जहां पर 10 अप्रैल की रात्रि बहुचर्चित अनिल सोनी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें मृतक अनिल सोनी अपने घर के बाहर घूम रहे थे, तभी दो आरोपियों ने उनके ऊपर की थी फायर। इसी दौरान वहां पर डॉक्टरों के पास जब उन्हें ले गए थे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। घटना की रिपोर्ट थाना शहर कोतवाली में दर्ज कराई। इसी के चलते पुलिस ने किया खुलासा, आरोपियों को किया गिरफ्तार। देखिए पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज पर श्याम राव के साथ। यहाँ पर बुलाया गया, यद्यपि ये बात मैं पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि आज के समाचार पत्रों में आप लोगों ने इस संबंध में कई सारी जानकारियाँ लिखी भी हैं। ये अधिकृत रूप से मैं आप लोगों को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराना चाहता हूँ और जो भी इसमें आपकी जिज्ञासाएँ होंगी उसको भी शांत करने का प्रयास करें। 10 तारीख को शाम को लगभग 9 बजे श्री अनिल सोनी के घर के पास ही गोली मारकर उनकी हत्या कर देने की घटना सामने आई थी, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची थी और वहां पर पाया गया कि उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया था। उनको रात में एक सनसनीखेज हत्या की घटना शहर में सामने आई थी, जिसमें एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने जैसी बात सामने आई थी और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित किया था। पुलिस ने उसमें धारा 302 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की थी और आरोपियों की तलाश शुरू की थी। कई स्थानों पर देश के विभिन्न राज्यों पर पुलिस ने लगातार छापेमार कार्रवाई की, दबिश दी और अंतिम रूप से आज पुलिस को 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।